ये देखिए हमारी ये बेक हो चुका है, इस तरह हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। आज हम बनाने लगे हैं बेक पटेटो एंड चिकन। वीडियो स्टार्ट से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, मैंने उसको इस तरह छोटे पीसेस किया है। 2 मैंने लार्ज साइज़ के आलू लिए हैं, इसको भी मैंने फिर इस तरह के काट दिए हैं क्यूब्स में, उसको उबाल के रखी है मैंने पहले से। मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, इसको भी काट के रखी है क्यूब साइज़। एंड 4 किस्म मैंने शिमला मिर्च लिए हैं, उसको भी मैंने किस तरह की काट के रखी हुई है। देखें यहाँ पे मसाले चाहिए हसबे जायका नमक है। एंड कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून है, जीरा पाउडर 1 टीस्पून है, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है, कुटी हुई में लाल मिर्च में लिया है 1/2 टीस्पून, व्हाइट पेपर लिया है 1/2 टीस्पून है, अनियन पाउडर 1 टीस्पून है, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून है। तो अभी हम बनाने शुरू कर देना है। और साथ में हमें चाहिए जो बगलावे के जो शीट्स मिलती हैं आपको स्टोर में से, ये चाहिए हमें। इसके अंदर हमने लपेट के इसको बेक करेंगे, तो ये मस्त होना चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो ये पूरा हमें ये चाहिए इसके साथ। तो चलो अब बनाना शुरू करेंगे। किसके आगे पे मैंने पैन रखी हुई है, तब मैंने ऑयल डाल देना है इसके अंदर। तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, इसके लिए ज़्यादा ऑयल ज़रूरत नहीं यूज़ करने के लिए। और साथ में हमें मेल्टेड बटर चाहिए, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, ताकि वो जो बगलावे की शीट के ऊपर हम लगा देंगे। देखिए ऑयल डाल दिया, तो फिर मैंने अभी चिकन जो क्यूब्स बनाई थी इसको पहले हमने डालना है। तो पहले हमने थोड़ा सा कुक कर देना है, फिर बाद में हमने वेजीज डाल देना है इसके अंदर, शिमला मिर्च और प्याज जो है ना ये सारा डाल देंगे इसमें। ये देखिए हो रही है, कुक हो रही है। ये देखो मैंने चिकन के अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला है, तो चिकन ब्रेस्ट करते हैं खुद ही पानी छोड़ दिया है, तो इसके साथ अच्छे से खुश्क हो जाएगा। हल्की से इसको भूनेंगे, फिर बाद में हमने वेजिटेबल डाल देना है इसके, शिमला मिर्च सारे और मसाले के साथ। ये देखिए चिकन से पानी खुश्क हो गया, तब इसके अंदर मैंने ये सारे मसाले डाल देना है। ये देखिए मसाले और वेजी डाल देनी है। आलू किसी पे ऑलरेडी पका हुआ है ना, तो उसका हमें जरूरत नहीं है ज्यादा कुक करने की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो उबाल चुकी हूँ। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, खाने थोड़ी सी हल्का, ताकि हमारे जो वेजीज है ना थोड़ी सी हिला के हमने मीडियम लेके जाना है चूल्हे को। तो इसको हमने ढकना है, ताकि जो वेजीज है ना सारे शिमला मिर्च थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर बाद में हम इसको चूल्हे को बंद कर देना ताकि ठंडा हो जाए, फिर हम बेक करेंगे। इसके अंदर हमने डालना है 1/2 टीस्पून ऑफ शिमला मिर्च डाल देंगे, मिर्चे एंड 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है, एंड कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, ज्यादा नहीं 1/2 टीस्पून या 2 पिंच या 3 पिंच के हिसाब से आप डाल दीजिए अगर आपको पसंद है। तो इसके अंदर हमने ऑयल डाल देना है 1.5 टेबल स्पून। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया, इस तरह हो गई है, तब इसको साइड पे रखेंगे। देखिए हमारे वेजीज जो है ना ये सॉफ्ट हो चुका है, तभी मैंने चूल्हा बंद कर देना है, इसको अच्छे से ठंडे होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसको बेक कर देना है। ये देखिए हमारे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जो मैंने मसाले बनाया था। तो मैंने ये देखिए इस तरह के ट्रे लिया है, बेकिंग ट्रे है, और ये मैंने निकाल दिया है जो शीट हमें चाहिए था, बगलावे का शीट है। और साथ में इसके ऊपर हमने नीचे मैंने कुकी जो शीट है वो डाल देना है, और साथ में बटर चाहिए हमें थोड़ा। तो पहले इसके हमने ट्रे को बटर लगा देना थोड़ी सी, तभी तो हमने ये कुकी पेपर डाल देना इसकी। देखिए किस तरह इसकी मैंने बटर लगा देना है, फिर
तो हमने जो ये बगलावे का शीट है ना ये डाल देंगे। ये देखे हमने यू यू इस तरह डालना है, ऐसे सीधा सीधा नहीं डालेंगे, हमने इसकी एजेस पे ऐसे ऐसे डाल देना है इस तरह। ये देखिए इस तरह हो गया, ये डाल के हमने फिर ये बटन लगा देना है। ये इस तरफ में भी सेम वे में हमने डालना है ताकि चार शीट हो जाए इस तरह। ये देखें अब ये वाला इस तरफ इस तरह हो गया, हमने बटन लगा देना है। इस तरह फिर बटन लगा देंगे। ये सारे लगा दिए डाल दिए, तो अब इसके ऊपर हमने स्ट्रेट डाल देना है तीन चार ऐसे ही। ये देखिए इस तरह यू करके इस तरह डाल के, तो फिर हमने इसको फिर बटर लगा देना है। ये बहुत मजेदार और टेस्टी और क्रिस्पी बनता है, बहुत जल्दी भी बन जाएगा। तभी फिर हम डाल देना इसके ऊपर तभी एक और शीट डाल के फिर हमने इसका सारे मसाले डाल देने। टोटल हमने यहाँ पे तकरीबन चार शीट डाल दिए ऊपर इस तरह स्ट्रेट। तो ओवन मैंने ऑन किया हुआ है 180 डिग्री में, इसको रखेंगे हम 25 मिनट्स के लिए। आपके ओवन अपनी बाजे ओवन जो है ना वो डिफरेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से आप उसको देख लें। ये देखिए पहले हमने आलू डाल देना है, आलू कच्चे से हमने पला देना है इस तरह। इसको ज्यादा हमने बड़े साइज का नहीं बनाना, अभी बता देना है इसको किस तरह करना है। ये जो चिकन है ये डाल देने ऊपर, ये ठीक है। ये देखिए इस तरह हो गया, तो अब इसके ऊपर फिर हमने शीट डाल देना है। ये देखिए ऐसे बटन लगा के
शीट डाल दिया मैंने, तो अब इसको फिर मैंने बटर डाल देना है, लगा देना है, सॉरी। एक और शीट डाल देंगे, एक और शीट लगा देंगे इसके ऊपर डाल के, तो फिर इसके और हमने नहीं डालना, तो बाकी हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये भी हमने ये बटर लगा देना है। अच्छे से ये बटर लगा के तब ये इस तरह में, अब इसका हमने जितने मैंने इसके ऊपर डाला है शीट्स, इस तरह करेंगे, ये देखें इस तरह। इस तरह ये करके, और यहां से भी हमने सेम वे में ऐसे ऊपर लेकर आना है इसके, थोड़ा दबा के फिर थोड़ी सी हमने बटर लगा देना है। ये जो हमने ऐसे यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने डाला था ना, इसको हमने इसके ऊपर ऐसे लेकर आना है। ये बटर लगा के ये साइड जो है ना, इसको भी हमने इसके ऊपर ऐसे लेकर आना है स्मूथ सी, देखिए से। ये ऐसे इस हिस्से को भी हमने स्मूथ इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह होके अब इसके हमने जो एक्स्ट्रा है इसको हमने इसे लेके इसको बटर लगा के, देखिए इसी साइज का हमने यू कर देना है। अब जितने भी हमारे पास बचे हैं ना, हमने ये सारा ऐसे बनाते जाना है। दिखा देती हूँ आपको, देखिए इस तरह, देखिए अब इस तरह है। तो हमने ये सारा कट करना है, ये देखे इस तरह। तो ये हम बटन लगा के फिर इसको मैं इस तरह फोल्ड करेंगे सारे, ये देखिए ये बटन लगा के। इसको हमने इस तरह फोल्ड कर देना है, ये देखे। ये देखे अभी जो मैंने ये इस तरह की बनाई है ये, तो इसका हमने फिर बटन लगा देना है अच्छे से बिल्कुल। और इसकी हमने पता क्या करना है, इसकी ऐसे साइडों पे इसको लगा देना है एज ए लाइक डेकोरेशन टाइप, इस तरह देखे इस तरह ये करके। तो जितने भी मेरे पास है मैंने वो सारे ऐसे लगा देना है, सी ऐसे बटन लगा के।
ये देखें इस तरह, आखिर में भी तो ये जो हमने इस तरह एक्स्ट्रा जो है ना इसको हमने काटना है। इसको फिर हमने इसको ऐसे इसके अंदर ऐसे ऐसे से करके जैसे क्लीन एंड नीट हो गया। इस तरह देखें तो ये हमने इस साइडों पे लगा देना है। ये देखिए हमारी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इस तरह हो गई है। तो इसके ऊपर हमने कलवंजी थोड़ी सी डाल देना है अगर आपके पास है। देखिए इस तरह तो इसका मैंने ओवन ऑन किया हुआ 180 डिग्री में, इसको हमने रखना है 25 मिनट्स के लिए। ये देखिए इस तरह हो गई है बेक हमारी, तो मैं काट के दिखा भी दूंगी आपको। ये देखिए अच्छे से हो गए हैं लगे, देखिए। तो लगकर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करें, अपनी घर में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि आपको कैसा लगा, थम्स अप भी दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।